न्यूज स्टार दिल की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मदर्स डे। मदर्स डे मतलब एक विदेशी परंपरा। आज व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, न जाने कितनी सोशल साइटों में लोगों ने अपनी अपनी माताओं के लिए हैप्पी मदर्स डे लिखा है। लेकिन हैप्पी मदर्स डे एक विदेशी परंपरा जिसने हमारे देश को एक कोरोना जैसी महाबीमारी दिया, जिसने हिंदुस्तान से अर्थव्यवस्था छीन ली, हम ऐसे विदेशी परंपरा को अपनाने जा रहे हैं जिसने बहुत सारी बीमारियां हमारे देश में फैलाई। हमारे यहाँ जब सरहदों पे जवान जाता है तो उसकी माँ उसके तिलक करती है और कहती है, मेरी आंचल में तू हमेशा रहेगा। हमारे यहाँ माताओं के लिए एक 9 दिन का त्यौहार मनाया जाता है जिसको नवरात्रि कहा जाता है। हम ऐसी सभ्यताओं को भूल करके विदेशी सभ्यताओं में ध्यान देने लगे। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी किड्स डे। तो हमारा हर भारतीय से यह अनुरोध है कि आप अपने देश की परंपरा अपनाएं, क्योंकि हमारे देश में माताओं को एक दिन के लिए नहीं पूजा जाता है। हमारे इस कार्यक्रम का अर्थ किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है।